हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका अकाउंट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है और आप अपने खाते का पिछला 30 दिन का लेन देन पता करना चाहते हैं, मेरे भाई आप अपने खाते से चाहे एटीएम से पैसा निकाले हो, चेकबुक से पैसा निकाले हो, चाहे किसी भी माध्यम से पैसा आपने जमा किया हो, सभी लेन देन पिछला 30 दिन में जो भी कुछ आप किए हो वो सारा डिटेल्स आप आसानी से बस एक सेकेंड के अंदर ही निकाल सकते हैं। अब चलिए बिना देर किए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो भाई आपके खाते के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी है। अब आपको अपने खाते के साथ में लिंक मोबाइल नंबर से बस एक मिस कॉल करना है, और वो मिस कॉल क्या है, तो बस आपको इस नंबर पे मिस कॉल करना है जो कि है 7287 88, ठीक है, उसके बाद 4 times 8 7, ठीक है मेरे भाई। इसे आप कॉपी पे लिख लो या फिर मोबाइल के अंदर सेव कर लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं आपको, 7287 5 times 8 और 7, बस इतना इस नंबर पे आपको अपने खाते के रजिस्टर मोबाइल नंबर से एक मिस कॉल करना है। जैसे ही आप मिस कॉल करते हो आपको पीडीएफ के रूप में स्टेटमेंट, ठीक है, पीडीएफ के रूप में स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक है। आप चाहो तो भाई आपका रजिस्टर ईमेल आईडी होगा तो उसमें भी ये चीज भेजा जाता है, ठीक है, जो भी आप रजिस्टर करवा के रखे होंगे ईमेल आईडी अपने खाता के साथ में भी उस ईमेल आईडी में भी आपका ये डिटेल्स को भेज दिया जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर में भी भेज दिया जाएगा और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में भी भेज दिया जाएगा। बस आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से एक मिस कॉल करना है। आशा करता हूँ मेरे भाई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मेरे भाई आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।